एक बहुत दिनों पहले मैंने अनबॉक्सिंग की थी ओपन एरिया ओपन में सनलाइट में, तो आज उसकी व्यूज़ जो है वो लगभग 1 मिलियन से है। तो इसलिए मैंने आज कोशिश किया है कि आज दोबारा भी मैं ओपन में अनबॉक्सिंग करूँगा। ये आईवेल का टॉर्च है जो कि लगभग 2000 के रेंज में आता है। देखते हैं इसको, इसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं सही से। फ्लिपकार्ट से ही मंगाया है मैंने इस पार्सल को। वीडियो जो है वो दो पार्ट में आने वाली है, तो कृपया करके इसके दोनों पार्ट देखना आप। पार्ट वन में लगभग अनबॉक्सिंग रहेगा और पार्ट टू में इसकी रिव्यू के बारे में रहेगा, तो प्लीज़ दोनों वीडियो देखें। बॉक्स जो कि बहुत बड़ा सा है उसका लिंक भी मैं दे दूंगा आई बटन में। फ्लिप्स का ब्लेज टॉर्च था वो आईवेल का, और इसका मॉडल नंबर आपको मैंने बताया भी कई बार, 8289 जो इसका मॉडल नंबर है। तो अब कोशिश करते हैं कि ये खोलते हैं इसको। ये बॉक्स जो है हमेशा ओपन उल्टा होता है, तो यहाँ से खोलने के बाद इसको हम पहले सीधा करेंगे। यहाँ से यहाँ पे भी लिखा हुआ है कई चीज़ें लिखी हुई हैं मेंशन, आप देख पा रहे होंगे। अनब्रेकेबल ग्लास, साइड में कुछ चीज़ें हैं और पीछे। तो बिना किसी देरी के हम इसे ओपन करते हैं। ये रहा बॉक्स। सबसे पहले तो इसका चार्जर, जो कि मैं अक्सर भूल जाता हूँ आपको दिखाना, तो चार्जर ये रहा। सिमिलर सा चार्जर है जो दूसरे टॉर्चों के साथ आता है, वही सेम चार्जर है इसमें भी। लेकिन इसकी आउटपुट ज़्यादा है, 6 वोल्ट 600 mAh का आउटपुट है। 50 हर्ट्ज़ पे ही काम करता है। यही रहा, ये सॉकेट वाला पिन है जो। और देखते हैं बॉक्स में क्या है। एक यूज़र मैनुअल और ये टॉर्च जो कि मॉन्स्टर टॉर्च टाइप का लग रहा है, जिसका वेट लगभग 1.5 किलो होने वाला है बैटरी इंसर्ट करने के बाद। तो देखते हैं उसका भी वेट कितना होता है। सबसे पहले हम बैटरी का सील ब्रोक करते हैं, बैटरी को अनपैक करते हैं। यही मेरा नाइफ, इसी से ये रहा बैटरी, जो कि बहुत बड़ी बैटरी है। इससे बड़ी बैटरी आई थिंक आईवेल में आती नहीं है। और ये 4000 mAh की बैटरी है, 4000 mAh की, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेंशन भी है, 4000 mAh की बैटरी है। जिसका चार्जिंग टाइम मेरे को देखना पड़ेगा, लगभग 3 घंटे के आसपास होगा मैक्सिमम इसका चार्जिंग टाइम। अब हम टॉर्च को इनबॉक्स करते हैं, जो कि बहुत प्रीमियम क्वालिटी का टॉर्च है ये। इसकी बिल्ड के बारे में बताया जाता है कि एयरक्राफ्ट एल्युमिनियम से बना हुआ है ये, जो कि लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत हैवी सा टॉर्च। एक बार मैं अगर आपको फ्रेम में दिखाऊं, तो ये यहाँ इसका बटन, और यहाँ पे ये रेडियम वाली वाटर प्रोटेक्शन के लिए जो दी जाती है वो है, और 6 मंथ्स की वारंटी। और पहले यूज़ से पहले हर टॉर्च को इसको 10 घंटे हमें चार्ज करना चाहिए, ताकि बैटरी लाइफ जो है वो लंबे समय तक अच्छा चले। तो अब हम बैटरी डाल के देखते हैं। हम कहीं से भी, यहाँ से भी बैटरी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा की तरह पीछे से ही बैटरी इसकी डालूँगा। इसको ओपन करता हूँ मैं, और इसी के साथ ये ओपन हो गया है। और इसमें हम अब 4000 mAh की बैटरी इंसर्ट करते हैं, और ये डाल के अब लॉक लगाते हैं इसको। बंद कर दिया है। तो अभी ये वीडियो मैंने बना लिया है, अब फोकस टेस्टिंग जो है मैं इसकी रात में करवाता हूँ आपको। अगर मैं आगे से इसका अनब्रेकेबल ग्लास जो है वो दिखाऊं आपको, ये आगे इसका अनब्रेकेबल ग्लास है। इसके ऊपर से मैं पन्नी हटाऊं थोड़ी सी, तो आपको थोड़ी अनरोकिंग की फील आएगी। देखा आपने, ये अनब्रेकेबल ग्लास है, तो इसको भी देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। बट फर्स्ट यूज़ से पहले इसे 10 घंटे चार्ज करूँगा मैं ये। तो चलिए चार्ज करते हैं इसे पहले। यही था, बाकी चार्जिंग टाइम भी इसका मैं देखता हूँ कितने देर में फुल चार्ज होती है, और चार्जिंग इंडिकेटर के बारे में भी आपको बताता हूँ। में है अभी 8289 मॉडल, इसको चार्ज में इंसर्ट करते हैं। इसमें भी चार्जिंग इंडिकेटर है, अभी जैसे चार्ज में लगाऊंगा वैसे ग्रीन से ये रेड ग्लो करने लगेगा। ये चार्ज होने लगा है, इसको 10 घंटे के लिए चार्ज करते हैं, उसके बाद आउटडोर में इसकी टेस्टिंग करवाता हूं मैं आपको फर्स्ट यूज से पहले, चलो देखते हैं। और फुल चार्ज इंडिकेटर भी है, ये फुल चार्ज जब हो जाएगा तो ये येलो ग्लो करने लगता है। आउटडोर में टेस्टिंग करने के लिए राधे श्याम के साथ, इसका मॉडल नंबर है 8289। तो देखते हैं आईवेल की तरफ से आता है, 2000 की रेंज का टॉर्च है। तो चलते हैं 4th फ्लोर पे और करते हैं इसकी टेस्टिंग सही से। तो चलो टीम वर्क, टीम मेंबर सब चलते हैं ऊपर, चलो आ जाओ चा, सभी लोग चलते हैं हॉन्टेड प्लेस पे, फिर 4th मंजिल पे, और उसके बाद हम टेरिस पे भी जाएंगे। ये हो सकता है ये वीडियो कई सारे पार्ट्स में आए, तो सारे पार्ट्स ज़रूर देखना। राधे श्याम की फिर ये सीन आपने कई वीडियो में देखा होगा, राधे श्याम को ही आगे जाना पड़ता है डरते हुए। ऊपर कई सारे जानवर रहते हैं, चल रहे हैं हम लोग, पहली मंजिल पे आ चुके हैं लगभग।
राधे श्याम फूट फूट के पैर रखते हुए थक रहा है। कोशिश करेंगे इसी फ्लोर से हम लोग ऊपर जाएं। चल रहे हैं हम सेकंड फ्लोर से, शॉर्टकट लेंगे लिफ्ट से। ये देखिए ये एक चमक रहा है, ये देख रहे हो, ये कहीं आदिवासी तो नहीं है। अब यहाँ से हम लिफ्ट का रास्ता लेंगे। एक दिन जब आए थे तब ये लाइट ख़राब थी, उस दिन दूसरा टॉर्च का मॉडल था, आज दूसरा टॉर्च का मॉडल है। तो चलते हैं, लिफ्ट का कॉल बटन दबाते हैं और इसे ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। चौथी मंजिल का बटन दबाते हैं और चलते हैं चौथी मंजिल पे। और ये लिफ्ट का गेट इसी के साथ बंद। हमारा राइडर आगे आएगा। राधे श्याम समझ रहा है, देख रहे हो, दिखा आ रहा है बंदे के। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो और व्यूज़ बनाओ, राधे श्याम को कुछ इनाम देंगे हम फिर। चलो राधे श्याम आगे चलो, डरते हुए राधे श्याम आगे बढ़ रहा है। हम चौथी मंजिल पे आ चुके हैं। राधे श्याम दिन में तो फॉल्ट नहीं ढूंढता है, रात में पूरी कोशिश करता है कि कोई फॉल्ट मिल जाए, और करना नहीं है इसको ठीक। फिर ये देखो, इसका फोकस कहीं ना कहीं दूसरे टॉर्च के मुकाबले ज़्यादा है, ये इजिली विजुअल हो रहा होगा आपको भी। तो 3500 मीटर्स इसका रेंज है, तो उसके हिसाब से इसको देखते हैं जूम कितना कर पा रहा है ये टॉर्च। अगर मैं दिखाऊं सामने की विंडो पे, जो कि 30 से 40 मीटर की दूरी है, ये तो टॉर्च का साइज़ बहुत ज़्यादा बल्की है, 1.5 किलो के वजन के आसपास है, 1.5 किलोग्राम यही है। अगर मैं राउंड दिखाऊं पूरे सर्कल में तो सारी चीज़ें आपको चमक रही होगी लगभग। ये काफ़ी ज़्यादा सही फोकस प्रोड्यूस कर रहा है, एकदम पूरा का पूरा पूरा एरिया ये फोकस कर रहा है। ये देखो आप सामने की, अगर मैं दिखाऊं तो कल या दूसरे दिन मैंने जो टॉर्च दिखाई थी वो कम फोकस रेज कर रहा था, बट इसका बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है ये। आप देखिए वगैरह के लिए भी, अगर जब लाइट कटी हो तो उस पर्पज़ के लिए भी हम देख सकते हैं। ये राधे श्याम दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वायर वगैरह जो है वो इजिली भी इससे विजिबल हो पा रहा है, तो इलेक्ट्रिकल पर्पज़ या गार्ड पर्पज़ के लिए भी इसको हम सही से यूज़ कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम टेरिस पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसा फोकस प्रोड्यूस करता है लॉन्ग रेंज में। वहाँ पे लगभग हम 2 से 3 किलोमीटर की दूर फोकस डालने की कोशिश करेंगे और राधे श्याम हमको दिखाएगा फिर कैसा रहता है। चलो राधे श्याम स्टेयर का रास्ता यूज़ करते हुए हम इससे ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं, यानी कि टेरिस पे चलते हैं। चलो सभी लोग चलो, राधे श्याम आगे का मार्गदर्शन करते हुए हम लोग ऊपर जा रहे हैं। राधे श्याम एकदम चौकन्ना है ताकि कोई दिक्कत ना आ सके। ये देख पा रहे हो कितना फोकस रेज कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। स्टेयर्स पे भी देख लो आप किस प्रकार का फोकस दिख रहा है। एल्युमिनियम एयरक्राफ्ट बोलते हैं इसको, एयरक्राफ्ट एल्युमिनियम से बना हुआ है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, और 4000 mAh की बैटरी भी है इसकी उस प्रकार से। लास्ट में मैं अपना फाइनल वर्डिक्स दूंगा, मल्टीपल पार्ट्स में ये वीडियो आने वाली है तो बने रहिए।